हेलो एवरी वन वेलकम टू इकनॉमिक्स बाय अविशन आर पिता सो दिस टाइम आई एल बी टेलिंग यू वॉट ऑल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो यू जी सी नेट इकनॉमिक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं तो मैं रैंडमली बता रही हूँ कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले कर नहीं बता रही हूँ तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ आप अपने पेन पेपर ले कर बैठ जाइए एंड देन यू कैन नोट ऑल दोज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो आई गारंटी आपका इस बार का यूजीसी नेट निकल जाएगा सो so फर्स्ट आपको जो ध्यान रख के करना है दैट इज़ लिओंतफ का इनपुट आउटपुट मॉडल अच्छे से कीजिए इनपुट एंड आउटपुट मॉडल जो है उसे अच्छे से करना है दूसरा टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है फिलिप्स कर्व उसे आपने अच्छे से करना है फिलिप्स कर्व जो फ्रीडमैन ने दिया था वो उसकी सारी अजाम्पन जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जो हमने फ़िलिप्स का पढ़ा पढ़ा था वो पढ़ लीजिएगा अच्छे से थर्ड टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है दैट इज़ हमारी जो थियरीज़ आती हैं बहुत सारी हम थियरीज़ में पढ़ते हैं हमारा एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस वो अच्छे से कीजिएगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास सेकेंड इसमें हम इसे आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो ग्रेजुएशन में भी आप करते हैं कई बार माक्रो में उसे करना है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसे करना है अच्छे से पर्मांट इनकम हाइपोथेसिस पोथसिस इनकम हाई ये अच्छे से कर लीजिएगा एंड फोर्थ इज़ आई एस एल एम की जो हमारी uh, सारी अप्रोच है उसमें आपको कर्व्स को अच्छे से ध्यान रख के करना है और उसमें हमारे uh, f, uh, जो पॉलिसीज़ आती हैं फिजिकल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी इसे अच्छे से कीजिएगा एंड अदर टॉपिक इज़ हमारे सारे टेस्ट होते हैं जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं एफ़ टेस्ट एफ़ टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है इसके ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग आते हैं टी टेस्ट किस लिए यूज़ होता है मतलब ये तो आपको पता है ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए यूज़ होता है टी टेस्ट इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस के लिए हम यूज़ करते हैं काई स्क्वायर ये सारे टेस्ट आपको अच्छे से करने हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आता है यूजली सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अच्छे से कीजिएगा एंड uh, जो हमारे इकोनोमेट्रिक्स में पीछे के जो चैप्टर्स हैं जो एक्सेप्शन होती हैं जो कि फ़ेल हो जाती है हमारी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो फेल हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है ऑटो कोरिलेशन की उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा हमारा मल्टी की प्रॉब्लम आती है जब जब एक कोलिनारिटी एग्जिस्ट करती है वेरेबल्स के बीच में उसे करना अच्छे से आपने और हमारा हेट्रोस हेट्रो उसके डैस्टिसिटी में ये इन सब के आपको क्या क्या करने हैं कॉजेज़ देखना कि प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं वो करने हैं और इसके टेस्ट क्या हैं रिलेटेड वो उसे आपने अच्छे से करना है और जो हमारे इसी में ही आप ओ एल एस पी डाल लीजिए ऑर्डनरी लीज स्क्वायर उसका जो ब्लू फंक्शन होता है बेस्ट लीनर अनबायस एस्टिमेटर इससे अच्छे से समझ लीजिएगा और एकको ट्रिक्स में हमारा साइमटेनियस इक्वेशंस में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं उसे आपने अच्छे से करना है सो डू दीज थिंग्स बाय हार्ट अगर आप पूरा सिलेबस कर रहे हैं इसे ढंग से नहीं कर रहे हैं तो आप पी जी सी नेट नहीं क्लियर कर पाएंगे बट ये सारे टॉपिक्स अगर आप कंसिडर करके अच्छे से करें आई गारंटी आपका इस बार का नेट ज़रूर निकल जाएगा सो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारा जो तीनों होते हैं मीन मीडियन मोड जो इसके फॉर्मूलाज uh, हैं उसे अच्छे से आप लिख लीजिए एक जगह और उसे याद कर लीजिए एंड कोर्टसज कोटस भी और जो हमारा स्क्यूनस है स्क्यूनस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं दैट यू हैव टू रिमेम्बर और जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसमें हमारी जो डेफिसिट्स में आते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा और उसके करंट याद रखना इन सबकी जो करंट की जो फिगर्स हैं इंडियन इकोनॉमी की वो आपको ध्यान रखनी है प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है उसके फॉ इनके बेसिकली आपको क्या करने हैं फॉर्मूला देखने अच्छे से और करंट के जो डेटा है उसे आपको लिख लेना है एक साइड पर एंड हमारा मॉडल्स देख लेते हैं मॉडल्स में क्या क्या पूछा जाता है मॉडल्स में हमारे ज़्यादातर एक रहता है हेरोडोमार जिसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड सोलो मॉडल ज़्यादातर मॉडल्स नहीं पूछे जाते इनकी अजाम्पन्स पूछी जाती हैं ए के मॉडल इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा इंडिजीनस मॉडल इन सब की अजाम्पन्स को अच्छे से देखना है दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड uh, जो सारी न्यू गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आई हैं उसे आप ध्यान रख के कर लीजिएगा और इसमें आप अगर पॉलिसीज़ कर रहे हैं तो इसमें आप देखिए सेंट्रल और स्टेट का क्या शेयर है इनका शेयर अच्छे से ध्यान रखिएगा इनके ऑब्जेक्टिव्स ये पॉलिसीज़ या जो भी हैं वो क्यों इंट्रोड्यूस हुई हैं एंड व्हाट ऑल आर द इयर्स और कब ये हुई हैं इंट्रोड्यूस सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट मैं न्यूमेरिकल इसमें से बता देती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं न्यूमेरिकल्स में एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर वेरी इम्पोर्टेंट ईजी होता है इसके लिए भी मैं सारी इन सब के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए क्लग से आई आइल मेक वीडियो जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर कर दूंगी वो आप देख लीजिएगा कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्वेश्चंस रहते हैं एंड uh, हमारा ए आर एम आर के ऊपर पूछ लेते हैं क्वेश्चंस कॉस्ट मिनिमाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है इलास्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है इलास्टिसिटी की कैलकुलेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैलकुलेशन पूछ ली जाती हैं इसमें आपको सा, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है प्राइज इलास्टिसिटी को भी अच्छे से करना है हमारा इनकम इलास्टिसिटी को भी अच्छे से कर लिया जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमारा क्रॉस प्राइज़ इलास्टिसिटी उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं सो so, ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लीजिएगा और एक दो क्वेश्चन इसके भी ज़रूर आते हैं एडवर्स सिलेक्शन में एडवर्स सिलेक्शन पे ज़्यादातर लाइनर्स ही होते हैं जिससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वो कर लीजिएगा मॉरल हजार क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमारी सारी एसीमेट्रिक बेसिकली एसीमेट्रिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है उस पर क्वेश्चन आते हैं सो so, इसे अच्छे से करना है आपको नोट्स बना लीजिएगा उसे अच्छे से लिख लीजिएगा सारा स्ट्रेस इन टॉपिक्स पे ज़्यादा रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाने हैं मार्केट स्ट्रक्चर में हमारा परफेक्ट कंपटीशन बहुत पूछा जाता है ओलिगोपली में से भी क्वेश्चन उठ कर आ जाते हैं मनोपली में से आ जाते हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट मोनोपलिस्टिक में इससे आ जाते हैं इम्पोर्टेंट है वो कर लीजिएगा इसमें से बेसिकली जो पूछा जाता है दैट इज़ इक्व के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे शॉर्ट रन लॉन्ग रन एक के बारे में पूछ लिया जाता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं लॉसेस कब होते हैं जब हमने पढ़ा था प्राइज इक्वल्स टू ये जो हमने सारी ये मार्केट स्ट्रक्चर की तो मैंने वीडियो सारी अपलोड कर दी हैं परफेक्ट कॉम्पटिशन वाली गोपली में क्ल्यूसिव वाली नॉन क्लूसिव वाली गोपली मोनोपली में क्या होता है मोनोपली पार का काफ़ी क्वेश्चन लर्नर्स इंडेक्स पे क्वेश्चन आते हैं तो उसे अच्छे से कर लीजिएगा तो अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर का देख रहे हैं तो मेरा आई एस ऑप्शनल का है उससे भी आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा वो आप कर लीजिएगा नहीं तो मैं इसकी सीरीज अलग से भी बना दूँगी एंड टाइम सीरीज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम सीरीज में और uh, जो हमारे टेस्ट हैं यूनिट टेस्ट और डिकी फ्यूलर दोनों एक ही चीज़ है वैसे वो अच्छे से कर लीजिएगा ये आप उसी से पढ़ सकते हो हमारी जो बाइबल है और वन एंड ओनली डी एन गुजराती उससे अच्छे से कर लीजिएगा एंड ऑग्यूमेंटेड हमारी डिकी फ्यूलर की जो टेस्ट है उससे अच्छे से करना है आपको सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रैंडम वॉक पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो करना है आपको मार्केट फेलियर में जो है मार्केट फेलियर और एक्सटर्नालिटी पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है कि मार्केट फेलियर और एक्सटर्नालिटी में क्या है क्या क्वेश्चंस रहते हैं सो so, ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है आपको और हमारा पब्लिक गुड पे भी मतलब ज़्यादातर डेफिनेशन या इसके एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पब्लिक गुड के अंदर जो हमारी दो प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन रिवाबल्स और नॉन एक्सक्लूडबल इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इन टर्म्स को अच्छे से समझना है आपको और हमारा कोर्स थ्योरम पे क्वेश्चन uh, आ जाता है कोर्स थ्योरम में बेसिकली आपको इसके एजाम्शन के ऊपर अच्छे से ध्यान देके करना है आजकल थोड़ा ये ट्रेंड चल पड़ा है लाइफ टेबल का क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल so क्वेश्चन पूछा जाता है सो फॉर दैट ऑल्सो आई एल मेक अ वीडियो सून न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगी तो आप ये देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व होता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मैं इसको ईजीली आपको अच्छे से बता दूँगी कि क्या करना है थरीज़ जो हैं पॉपुलेशन की वो उससे रिलेटेड पूछा जाता है वो आप कर लीजिएगा डेमोग्राफी जो है डेमोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करने हैं डेमोग्राफी में आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि किसने दिया minimum, है क्रिटिकल मिनिमम वो चीज़ें आपको करनी हैं ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन उससे करना है इनके किों ने दिया था इनके राइटर्स का अच्छे से ध्यान रखना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेलफेयर इकनॉमिक्स में वेल्फेयर इकनॉमिक्स की तो इनफैक्ट मेरी पूरी सीरीज़ बनी हुई है उससे आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आई थिंक कुछ रह ही नहीं जाएगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के नाम पर अच्छे से एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है कि क्या होता है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं दैट इज़ परेटो ऑप्टीमेलिटी से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है वेरी इंपॉर्टेंट कि कब ऑप्टीमालिटी होती है कब नहीं होती वट ऑल आर द कंडीशन फिर जहाँ पर परेटो फेल होता है वहाँ पे कार्लोर आ जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कार्डोर हिक्स का एम में एंड हमारे इसमें सोशल वेलफेयर फंक्शंस मैंने सारे कवर करे हैं कौन सा नट्सियन क्या होता है बॉक्सन क्या बॉक्सन से म्यूल्सन क्या होता है वो सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं इनके वेलफेयर फंक्शंस कैसे बनते हैं सो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं सोशल वेलफेयर फंक्शन के ऊपर तो नट्सियन रोल्सियन बेंथमाइट वो सारी चीज़ें मैंने सब कवर कर रखी हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो इन इस, इसके लिए तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे वेलफेयर इकनॉमिक्स के नाम से है आई थिंक आपका हो जाएगा टाइप ऑफ गुड्स के अंदर जो आते हैं दैट इज़ हमारा इनफीरियर गुड आता है और हमारा टाइप ऑफ गुड्स में ये इसका ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड और गिफिन गुड्स के ऊपर इनकम इफ़ेक्ट सब्सटीटूशन इफेक्ट के ऊपर गुड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आप वो आप इसमें देख लीजिएगा कि इनकम इफ़ेक्ट कब स्ट्रोंगर होता है हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कब स्ट्रोंगर होता है उसका प्राइज इफेक्ट इन सबका जो डिमांड और प्राइज और क्वान्टिटी के बीच में जो रिलेशन है उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है उसकी फिर कॉम्पोजिशन जो इसका ब्रेकअप है इनकम uh, इफेक्ट और सब्सिट्यूशन इफेक्ट उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फिर इनके कर्व्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके कर्व्स कैसे होते हैं गिफन गुड का कैसा होता है इन्फीरियर का कैसे होता है इन दोनों का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इसका अपर स्लोपिंग होता है ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये चीज़ करने की है ये अच्छे से कर लीजिएगा एंड कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्सिट्यूट गुड्स के कर्व देख लीजिएगा इसके एम कैसे निकलते हैं वो कर लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमारा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर भी आई एल मेक अ वीडियो सेपरेटली उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लूँगी और उसकी एजाम्शन्स क्या हैं किन लोगों ने दिया था सी डब्ल्यू कॉब और किसने दिया था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और सी ई एस कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन का जो क्वेश्चन है उसकी फिर कैलकुलेशन भी कई बार आ जाती है तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसे या एक जगह लिख लीजिएगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है तो वेरी नाइस बट आई वुड से ये टॉपिक्स अगर नहीं किए तो यही आते हैं इससे अच्छे से करना है अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड नहीं किया तो कर लीजिए बिकॉज आई गारंटी यू ये करने के बाद आपका कुछ नहीं रह so, तो जाएगा सो आपका यू जी सी नेट तो क्लियर हो ही जाएगा सो पेपर टू के लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट ये अच्छे से इन चीज़ों को एक जगह नोट्स बना लीजिएगा एंड नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ रिक्वायर्ड ये टॉपिक अगर कर लिए तो बहुत सही आई मीन यू कैन स्कोर ऑल्सो आई बी मेकिंग वीडियोज़ कवरिंग द क्वेश्चंस की पास्ट ईयर में इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ रखे हैं तो वो चीज़ भी हम कवर करेंगे स्टेट ट्यून फॉर दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज ऑल दीज मतलब ये चीज़ें बनाने के लिए इट रिक्वायर्स अ माइंड प्रेप and a lot of efforts goes in for making these videos thanks for watching bye bye